क्या मिलेगा ई श्रम कार्ड से 3,000 रुपये की पेंशन का फायदा, या फिर मिलेंगे आपको 1,000 रुपये, या फिर ऐसे कई तरह के झूठे वादे जिसको आप कहते हैं कि गर्भवती श्रम कार्ड पर मिलेंगे 25,000 रुपये, क्या इन सब में है सच? आइए जानते हैं इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए और जानिए ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण। इस ई श्रम कार्ड के कुछ प्रमुख विवरण आपके सामने दिए गए हैं कि ये किसके लिए बनाया जाता है, पॉज करके देख सकते हैं। चाहे हो कोई सरकारी योजना या फिर आई हो कोई नई वैकेंसी, मिलेंगे सभी के अपडेट्स आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को और बेल आइकन दबाओ। आपको गूगल पर जाके लिखना है ई श्रम, और ई श्रम कार्ड लिखते ही आप ई श्रम के ये होम वाले वेबसाइट पर देख सकते हैं या क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा जहां पर आपको यहां नया अगर ई श्रम कार्ड बनाना है तो आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड पर क्लिक करना है। अगर आपका पुराना ई श्रम कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो उसका वीडियो अलग से आई बटन पे दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको यहां बनाने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को यहां डालना होगा। मैं अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यहां पे डाल देता हूं। उसके बाद आपको यहां कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करके आपको यहां पे ये अपने दोनों ऑप्शंस पर नो नो कर देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, वो ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करें, और दर्ज करने के बाद थोड़ा वेट करें, आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे अपना आधार 12 डिजिट का आधार नंबर डालिए और आधार नंबर डाल के कैप्चा फिल करिए। कैप्चा फिल करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है और इसे सेंड ओटीपी कर देना है। आप देख सकते हैं कि एक और ओटीपी आपके मोबाइल पर भेजा गया है, उसे यहाँ पे दर्ज करें। ओटीपी बहुत ही ध्यान से दर्ज करें दोस्तों, और आपके सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। बहुत ध्यान से आपको यहाँ कंटिन्यू टू अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है, लॉग आउट पर नहीं करना है। इसे ध्यान से यहाँ पर क्लिक करें राइट साइड वाले ऑप्शन पर, और आप देखिए आपके सामने एक ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको अपना जो मैरिटियल स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड, वो भरना है। माता का नाम, पिता का नाम, जो भी आपके हस्बैंड का नाम हो तो आप हस्बैंड का नाम भी भर सकते हैं। आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी, वो भरना है। सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने स्टार फील्ड रेड कलर में दिए हुए हैं, आपको फॉर्म में केवल वही जानकारी भरनी है जो लाल रंग के स्टार मार्क दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर अपना जो राज्य है उसे सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो ज़िला है उसे सेलेक्ट कर लेना है, और साथ ही मैं आपको यहाँ दोस्तों एड्रेस भी अपना बहुत ही ध्यान से फिल कर लेना है। तो मैं अपना यहाँ पर एड्रेस फिल फटाफट करके आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको आपके पास में क्या संबल आईडी है, आपके पास संबल आईडी नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भरना है। क्वालिफिकेशन में आप जितना भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट जितना भी पढ़े हैं वो लिख दीजिए। आपको मार्कशीट लगाने की ज़रूरत यहाँ पे भी नहीं है, आप इसे बस सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखना है कि आप किसी जोमेटो ऊबर में काम करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। मेरे केस में क्लाइंट जोमेटो ऊबर में काम नहीं करते हैं तो मैं उस पर नो कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में वो महिला है तो जनरल टेलर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ जनरल टेलर डाल दिया है, और उनका जो कितने समय से कर रहे हैं वो समय भी डाल दिया है। साथ ही मैंने ये देख इसमें यहाँ पे ये डाल दिया है कि आपने स्किल कैसे ली, तो आपने खुद से स्किल लिया, आपने कहीं सीखा है, वो भी डाल सकते हैं, और इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से हम श्रम कार्ड के जो फाइनल वाली स्टेज है उस पर आ गए हैं, और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हैं तो हमारे सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने जितनी भी जानकारी भरी है वो सारी जानकारी आपको आखिरी में प्रीव्यू के दौरान दिखेंगी। यदि सारी जानकारी सही है तो आप इसे सबमिट कर दीजिए, नहीं तो बैक साइड बैक वाले बटन पर क्लिक करके इसे आप दोबारा भी सही कर सकते हैं एडिट करके। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है दोस्तों कि श्रम कार्ड के नाम पर जो भ्रामक या गलत जानकारी लोगों ने फैलाई है कि आपको 3,000 रुपये मिलेंगे या 1,000 रुपये मिलेंगे या 5,000 रुपये मिलेंगे, ये राज्य से राज्य पे मैटर कराता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके राज्य में भी मिले। जैसे मध्य प्रदेश में श्रम कार्ड के ऊपर मात्र 5 या 6 हज़ार रुपये मिलते हैं आंगनबाड़ी में, वो भी महिला को जब वो प्रेग्नेंट हो। तो ये सारी गाइडलाइन आप अपने राज्यों में देख सकते हैं,
और राज्य में देखने के बाद ही आप ये काम को कर सकते हैं। आपका श्रम कार्ड मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनता है। आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।